न्यूज क्लिक पर मेरे इस कार्यक्रम का नाम है बोल के लब आजाद तेरे। और आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करने जा रहा हूं, मोदी जी बोलिए कि लब आजाद हैं आपके। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल के लब आजाद हैं तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, एक नहीं दो नहीं बल्कि 100 राजनयिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है और कहा है कि कहां गया आपका वो नारा सबका साथ सबका विकास। अब खामोशी से बात नहीं बनने वाली है मोदी जी, अब आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि तमाम हदें पार की जा रही हैं। मुसलमानों के खिलाफ तो चलिए जो नफरती आंधी आ रही है वो एक अलग मुद्दा है, मगर देश के अंदर संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और ये 100 लोग कौन हैं दोस्तों? ये 100 वो लोग हैं जिन्होंने भारत की नुमाइंदगी बतौर डिप्लोमैट्स, बतौर राजनयिक पूरी दुनिया में की है। वो जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी और भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी संस्थाओं की हरकतों की वजह से देश की नाक कट रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बोलने का मौका भी है, मगर मानो जो लोग उनसे अपील कर रहे हैं कि इस धर्मांधता के खिलाफ, इस नफरत के खिलाफ आप एक स्पष्ट संदेश दीजिए, मानो प्रधानमंत्री हंसकर उन्हें चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए प्रधानमंत्री के खिलाफ कि वो लोगों को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं, मगर आप मुझे बताइए ना, प्रधानमंत्री इन मुद्दों पर खामोश क्यों हैं? अभी 2 ही दिन पहले की बात है, गुरु तेग बहादुर का प्रकाश पर्व था, 400वां प्रकाश पर्व। गुरु तेग बहादुर को जानते हैं आप? उन पर मुगल आततायी राजा औरंगजेब ने दबाव बनाया था कि तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो, मगर गुरु तेग बहादुर ने ऐसा नहीं किया। मगर आप कहेंगे कि गुरु तेग बहादुर ऐसे में सांप्रदायिक एकता की कैसे मिसाल है? वो मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि बावजूद इसके कभी भी सिख गुरुओं ने इस्लाम के खिलाफ बयान नहीं दिया, मुसलमानों के खिलाफ बयान नहीं दिया, उन्होंने हमेशा उस व्यक्ति की रक्षा की है जो कमजोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400वें प्रकाश पर्व पर भाषण तो देते हैं, मगर वहां पर सांप्रदायिक एकता की एक भी मिसाल नहीं पेश करते, एक भी संदेश नहीं देते। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाने वाला हूं कि 100 राजनयिकों ने किन तल्ख तेवरों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है, और मैं चाहूंगा कि आप उनकी इस अपील को सुने, क्योंकि इनका एक एक शब्द देश के भविष्य को तय कर रहा है, एक एक शब्द चेतावनी दे रहा है कि अगर आप हम नहीं चेते तो ये देश बर्बादी की राह पर है। सबसे पहले उनका जो बुनियादी संदेश है आपके स्क्रीन पर, इस साल जब हम आजादी का अमृतोत्सव मना रहे हैं, हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री पक्षपातपूर्ण रवैये से उठकर सबके साथ समान व्यवहार करेंगे। इस माहौल में आपकी चुप्पी समाज में बहुत बड़े खतरे को जन्म दे सकती है। 2 आरोप हैं यहां पर। पहला आरोप, प्रधानमंत्री से कहा जा रहा है कि आपका पक्षपातपूर्ण रवैया, और दूसरा आपकी खामोशी। मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा कि 400वें प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री चाहते तो लाल किले के प्राचीर से संदेश पूरे देश को दे सकते थे धार्मिक एकता का, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उल्टा वो मुगल बादशाह जो मर खप गए उनको याद कर रहे थे, औरंगजेब को याद कर रहे थे। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। औरंगजेब की आततायी सोच के सामने उस समय गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर बनकर, एक चट्टान बनकर खड़े हो गए थे। इतिहास गवाह है कि वर्तमान समय गवाह है, और ये लाल किला भी गवाह है कि औरंगजेब और उसके जैसे अत्याचारियों ने भले ही अनेकों सीरों को धड़ से अलग करा, लेकिन हमारी आस्था को वो हमें हमसे अलग नहीं कर सका। 100 राजनयिक जिन्होंने भारत की आन बान और शान की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में की है, उनके तल्ख तेवर रुके नहीं है दोस्तों। उन्होंने और प्रधानमंत्री से क्या कहा आपके सामने।
हमारे देश के संस्थापक नेताओं की ओर से बनाई गई संवैधानिक इमारत को गिराया जा रहा है। इस बात पर लोगों में बहुत गुस्सा और पीड़ा है, इसलिए वो अपनी बातें रखने और अपना दुख व्यक्त करने के लिए मजबूर हैं। अल्पसंख्यक समुदाय खासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ पिछले कुछ सालों में हिंसा बढ़ी है, खासतौर पर भाजपा शासित राज्यों जैसे असम, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हालात काफी गंभीर हो चले हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में पुलिस के जरिए मनमानी की जा रही है। मुझे आप बताइए ना, इसमें कौन सी गलत बात है? बताने का प्रयास कीजिए ना कि असम में क्या हो रहा है, दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है। दिल्ली में दो घटनाएं होती हैं, जंतर मंतर के अंदर नफरती संदेश दी जाते हैं और गिरफ्तारी के नाम पर क्या होता है, उन पर क्या एक्शन किया जाता है बताइए। बुराड़ी में हिंदू महापंचायत हुई और दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट से कहती है साहब यहां पर नफरती भाषणों का कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। हरिद्वार एक पावन नगरी, वहां से जिस तरह के संदेश दिए गए प्रधानमंत्री को, उसी वक्त कड़े तेवर अपनाकर कहना चाहिए था इनफ इज इनफ, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं समझना चाहता हूं क्यों, और अगर प्रधानमंत्री कुछ करे, प्रशासन कुछ करे तो तब्दीली आ सकती है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं दोस्तों। आज रुड़की में धर्म संसद होने वाली थी, कल सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि अगर यहां से एक भी नफरती बयान मिला तो हम प्रशासन पर कार्रवाई करेंगे। प्रशासन इस तरह से डर गया दोस्तों कि उन्होंने धर्म संसद पर ही रोक लगा दी। इससे पता चलता है कि अगर प्रशासन चाहे, अदालतें चाहें तो एक्शन हो सकता है, जमीन पर उसका असर दिख सकता है। प्रधानमंत्री खामोश हैं और विडंबना देखिए कि वो जो बयान दे रहे हैं मानो वो उंगली उठा रहे हैं उसी मजहबी कट्टरता पे जो विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल फैला रहे हैं, जिस पर प्रधानमंत्री खामोश हैं। सुनिए उनका एक और बयान जिससे ऐसा लग रहा है कि वो सवाल इन्हीं संस्थाओं पर कर रहे हैं। उस समय देश में मजहबी कट्टरता की आंधी आई थी, धर्म को दर्शन, विज्ञान और आत्मशोध का विषय मानने वाले हमारे हिंदुस्तान के सामने ऐसे लोग थे जिन्होंने धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी थी। प्रधानमंत्री यहां विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल पर हमला नहीं बोल रहे थे, औरंगजेब की बात कर रहे थे। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, मर खप गए औरंगजेब, और आज के मुसलमानों का उस औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं है। आज किसी भी भारतीय का औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर औरंगजेब को क्यों याद किया जा रहा है? ये मनोज मुंतशिर जैसे आइटम बॉयज आपने क्यों खड़े कर रखे हैं जो मुगलों को गाली देते हैं? ये सोच आपको एक सी नहीं दिखाई देती है, यह आपको एक कड़ी का हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा है, यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि अनाप शनाप मुद्दों में लोगों को भटका कर रखा जाए, और यहां पर किसका नाम लिया जा रहा है साहब? औरंगजेब का नाम लिया जा रहा है। दोस्तों, इन राजनयिकों में कुछ फॉर्मर होम सेक्रेटरीज थे, कुछ फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स थे, कुछ फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरीज थे, यानी कि एक से एक दिग्गज जिन्होंने इस देश की सेवा की है। कौन कौन है वो मैं आपको नाम बताना चाहता हूं। जिन हस्तियों ने हस्ताक्षर किए उस खत पर, उसमें पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई, दिल्ली के पूर्व राज्यपाल नजीब जंग, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रिंसिपल सेक्रेटरी टीके नायर, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन, पूर्व विदेश सचिव सुजाता सिंह, और इनके अलावा 108 लोग थे जिन्होंने उस खत पर दस्तखत किए। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा जा सकता है कि 1980 से लेकर 2014 तक कोई ना कोई किरदार निभाया है, बतौर फॉरेन सेक्रेटरी, बतौर एनएसए, बतौर होम सेक्रेटरी, या फिर उससे भी पहले ब्यूरोक्रेट्स के तौर पर इन्होंने देश की सेवा की है। ये देश की हकीकत से वाकिफ हैं। अगर आज ये शब्द कह रहे हैं, अगर आज ये ऐलान कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अपनी चुप्पी तोड़िए, तो उसकी एक वजह है, उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है।
उन्होंने प्रधानमंत्री से उनके सबका साथ सबका विकास वाले नारे की भी याद दिलाई। क्या कहा आपकी स्क्रीन पर? पूर्व राजनयिकों ने प्रधानमंत्री से अपील की कि वो सबका साथ सबका विकास के अपने वादे को दिल से पूरा करें। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री मोदी भाजपा के कंट्रोल वाली सरकारों की तरफ से कथित तौर पर पूरी लगन के साथ चलाई जा रही हेट पॉलिटिक्स को खत्म करें। वाकई दोस्तों, जब तक इस हेट पॉलिटिक्स, इस नफरती राजनीति का अंत नहीं होगा, तब तक आप और हम एक बहुत बड़ी दुर्घटना की तरफ चल नहीं दौड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का आभास है, मगर मैं नहीं जानता कि चंद वोटों के लिए आप खामोशी बनाए हुए हैं। कितने शर्म की बात है। मगर न्यूज क्लिक पर हमारे इस कार्यक्रम का मकसद ही है कि बोल के लब आजाद हैं तेरे। और एक बार फिर जाते जाते मैं प्रधानमंत्री से भी अपील करना चाहूंगा कि मोदी जी बोलिए, लब आजाद हैं आपके। नमस्कार।